जैसा मौसम है और जैसी रोड है ना और जैसी आसपास की वादियां हैं, बिल्कुल पहाड़ों वाली फील आ रही है बिल्कुल। ओ भाई लेट्स गो। तो भाइयों टाइम हो रहा है 3:41 PM। आप सबको यही बताना चाहते हैं कि व्लॉग कभी भी शुरू करो, 10 मिनट का व्लॉग तो कभी भी आप बना सकते हो। गर्मी है और थोड़ा सा डर भी है कि पानी ना मिले कहीं पे, कहीं पानी भरा हो और मुझे अपनी इंटरसेप्टर को बोर्ड बनाना पड़े, तो ऐसा मैं सिचुएशन नहीं चाहता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ कैफे बनाऊ। कैफे बनाऊ पड़ता है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर। तो संडे को खाली जाने नहीं देना चाहते। जो जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात बोली थी कि पूरे हफ्ते बारिश नहीं हो रही है और संडे को बारिश हो जा रही है और पूरा दिन बारिश हो रही है कि आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि आप राइड करने जाओ या बाहर घूमने जाओ। बट आज होपफुली मतलब जैसा हमने मैंने सोचा था वैसा है मौसम। 4 बजे के करीब मिलना है हमने वहाँ पे। तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत इस हसीन से पहाड़ के साथ। सो व्हाट्स अप यूट्यूब, स्वागत है एक नई वीडियो में। कैसे हो मेरे दिल्ली वाले और दिल के आसपास वाले। देखो बहुत टाइम से व्लॉग में ऊपर नीचे चल रहा है, इतना एडजस्ट करना पड़ेगा देखो आप सभी को। कल मैं एक राइड पे निकलने वाला था लेकिन मौसम को देख के और जो हालात हो रहे हैं पहाड़ों पे उन हालातों को देख के हमें वो राइड अपनी पोस्टपोन करनी पड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि 2 से 3 दिन ही पोस्टपोन हुई है, वो लगभग 10 से 12 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो भाई पहाड़ों पे हुआ है बुरा हाल, प्रकृति ने बुरा हाल कर दिया भाई पहाड़ों पर। तो भाई जिन जिन ने अपनी फैमिलीज को लूज़ किया है, जिस जिसने अपनी फैमिली के बंदों को लूज़ किया है, उन सभी के लिए दिल से सिंपथी। जितना हो सके पहाड़ों को थोड़ा अवॉइड करो अभी 10-12 दिन, क्योंकि मानसून क्या है ना थोड़ा पहले आ गया है तो ये उतना ही जल्दी चला भी जाएगा मैक्सिमम। क्योंकि अब तो इस हफ्ते भी अभी 2-3 दिन से बारिश हुई नहीं है तो अब ये धीरे धीरे जा ही रहा है, लेकिन स्टिल अभी थोड़ा अवॉइड करो और उसके बाद ही पहाड़ों का प्लान बनाना। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैंने अपने माइक वॉइस चेक नहीं करी कि वॉइस आ भी रही है या नहीं आ रही। बस होप करता हूँ आवाज़ आ रही हो भाई, कि पता चले पूरा व्लॉग बना दिया और आवाज़ ही ना आ रही हो। आश्रम प्रगति मैदान ITO लेफ्ट लेंगे आश्रम की तरफ को। अच्छा ये जितने भी मतलब मजदूर वगैरह नीचे रहते हैं ना, तो नीचे से तो यमुना निकल रही है तो सारे देखो ऊपर आ चुके हैं। तो जी नेविगेशन मैंने लगा दी थी और अभी मैं बारापुला फ्लाईओवर पर हूँ। जो हमारी लोकेशन है वो 20 किलोमीटर की बता रही है, 20 किलोमीटर और चलना है, 40 मिनट लगेंगे भाई साहब 40 मिनट। अब ये पता नहीं और इंटरसेप्टर्स में भी प्रॉब्लम है या सिर्फ मेरी ही इंटरसेप्टर के मीटर में दिक्कत है। और ये D1 से है, जब भी अगर इसको थोड़ा सा बारिश में लेकर निकल जाओ ना तो इसके आपको दिख रहा होगा इसके मीटर में ना फॉग जम जाता है लेकिन थोड़े टाइम में धूप पड़ती है ना तो ठीक हो जाता है। बट अभी पता नहीं क्यों जम गया यार, अभी तो बारिश हो भी नहीं रही है, धूप निकली हुई है अच्छी खासी। जय हो, जय हो, जय हो बाबा। इस तरफ नहीं है वैसे पानी यमुना का, जितना भी है वो कश्मीरी गेट और उस तरफ के जो इलाके हैं ना, कश्मीरी गेट सिग्नेचर ब्रिज के उस तरफ, ITO प्रगति मैदान इस तरफ है ज्यादा। ये कहाँ आ गए हम, 11 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ क्योंकि मैंने एक ना गलत कट ले लिया था और वहाँ 11 किलोमीटर ऑलरेडी बचा हुआ था और वहाँ से सीधा वो 18 किलोमीटर पहुँच गया था। होता है, लेता है कभी कभी इंसान अलग कट गलत कट। बस बारिश ना हुआ क्योंकि आज ना रेन गेयर ना कुछ, भाई घने काले बादल आ रखे हैं, घने काले बादल ऊपर और यही पोर्शन में है, छोटे से पोर्शन में। फ्लो फ्लो में चलते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कट कब छूट गया है, फिर जब मैप देखता हूँ तब समझ आता है चंद सेकंड पहले यहाँ पे बारिश हो रही है, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई स्वागत है पहाड़ों पे और बस 10 मिनट की दूरी पे बचा है शिमला। पूरी वही फील आ रही है भाई कि पहाड़ों पर आ चुका हूँ मैं। जैसा मौसम है और जैसी रोड है ना और जैसी आसपास की वादियाँ हैं, बिल्कुल पहाड़ों वाली फील आ रही है बिल्कुल। हमारा आना अनएक्सपेक्टेड था। नहीं नहीं भाई टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:30। मजा आया काफी, खाए पिए, सेक्सी लग रहा है। रैप है बिल्कुल
चलो सर, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग सर, चलो बनाते हैं राइड का प्लान, है ना? ओके टेक केयर भाई, पहुंच के मैसेज करना। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिरर्स बहुत गंदे हो गए क्योंकि बारिश हो गई थी ना। ट्रक वाले भाई निकल जाएं, निकल जाएं, निकल जाएं, निकल जाएं। नए नए बंदों से मिला, नए नए लोगों से मिला, और वही होता है, देखो यार ऐसे सर्कल बढ़ता रहता है आपका, उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है। अभी जो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है वो 7.5 किलोमीटर है यहाँ से, अभी मैं सीधा वहीं पर जा रहा हूँ। जब कैफे पहुंच रहा था तो थोड़ी सी पहले, एक रेड लाइट पहले से बारिश शुरू हो गई थी, और यहाँ पे देखो सूखा पड़ा है पूरा, यहाँ बारिश हो रखी है। क्या बात है, क्या बात। 10:17 हो गए हैं, अब निकल रहा हूँ हमारे घर की तरफ, वैसे ही लेट हूँ। तो जी यहाँ से घर गूगल बता रहा है 36 किलोमीटर, जिसको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 53 मिनट, पुलिस वाले ना पकड़े नहीं तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस यहाँ पे इस समय ना थोड़ा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर पता ही नहीं चलता कब आ जाए। नाइट राइडिंग का भी वैसे अपना ही मजा है। क्या बात है, क्या गाड़ी चल रही है मेरे सामने। अब होता क्या है ना कि हमारी दुलारी की रात को आवाज ना कुछ एक अलग ही लेवल पर निकलती है, बड़ा ही मधुर लगता है इन कानों में। तो इसीलिए जितना हो सके हम एक्सेलरेट देते हैं, जितना हो सके हम इसकी आवाज़ को एंजॉय करते हैं। ये इधर इधर से चल रहा हूँ ना, अगर जैसे मतलब इस लाइन में चल रहा हूँ तो ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे आ रहा हूँ तो लग रहा है यार सब सूखा पड़ा हुआ है। दिल्ली में इंसान का आधा टाइम तो भाई रेड लाइटों पर ही चला जाता है, इतनी ज़्यादा रेड लाइट्स होती हैं, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती है कि आपको हर दूसरी रेड लाइट आपको रेड ही मिलेगी, मतलब आपको रुकना ही पड़ेगा। बाकी किसी किसी की किस्मत होती है भाई, सारी ग्रीन भी मिल जाती हैं, कभी कभी हमारी भी होती है भाई साहब। बैरिकेड ऐसे लगाए हुए हैं कोई निकल ही ना पाए, लेकिन हमारे पास तो बाइक है, हम तो निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं, और कहीं से भी निकल सकते हैं, जाम हो, बैरिकेड हो, कुछ भी हो, निकल जाएंगे, बस हमारे टायर चल जाए वहाँ पे। शुक्र है कम जाम है आज यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हमेशा जाम रहता ही रहता है, वो फ्लाईओवर तक पकड़ लिया भाई ट्रकों को, पकड़ लिया। तो जी घर पहुँच चुका हूँ, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड जर्नी अभी पेंडिंग है। ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज योर वरुण साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। टाइम देखते देते हैं एक बार क्या हुआ, 11:03 हो गए, तो 11 बजी गए। चलो गुड नाइट, बाय बाय।